भीड़ में काफी लोग खड़े हुए हैं, चिल्ला रहे हैं और बात कर रहे हैं कि मेरा ये शेयर खरीद, मेरा वो शेयर बेच। मॉर्निंग में इक्विटी करता था और उसके बाद कमोडिटी देखता था। तो मैंने सोचा कि यार ये ब्रोकर ऐसा क्या करता है, ये कैसे कॉल जनरेट करता है, कैसे वो किसी स्टॉक में बाइंग या सेलिंग रिकमेंड करता है। अब मेरी भी सिट्टी पिट्टी गुल कि भाई अब मैं क्या करूं यहां पे, अब मुझे तो पता नहीं। ठीक है, मुझे टेक्निकल एनालिसिस तो आता है बट मैं पढ़ा नहीं सकता। रातों रात कंपनी बंद हुई और हमें वहां से फिर दिल्ली आना पड़ा। जब मैं उनके घर पे गया, मैंने वहां पे देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। घर खरीदा, फिर उसके बाद मैंने दूसरा घर खरीदा, फिर मैंने तीसरा घर खरीदा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमेश शर्मा है। मैं स्टॉक मार्केट ट्रेडर, ट्रेनर और टेक्निकल एनालिस्ट हूं। साथ साथ मैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी करता हूं। आज मैं जो स्टॉक के माध्यम से आपको मैं अपनी कहानी सुनाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने 1500 की नौकरी और किराए के घर से आज मैंने अपनी नेटवर्थ 7 करोड़ की बना ली है। मेरी पढ़ाई जो थी वो सरकारी स्कूल में हुई थी, क्योंकि हम प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि बचपन में ही मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। तो सारी जिम्मेदारी थी वो मेरी माँ के ऊपर थी। तो उस वक्त पे मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा कर रहा था, क्लास में मैंने टॉप भी किया। तो इसमें से काफ़ी लोग ये सोचे होंगे कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, और आपको मैं कहना चाहूँगा कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है, वो सब कुछ डिपेंड करता है आपके बच्चे के ऊपर। 2006 में मैंने 12th कंप्लीट करी, मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, बट घर का बड़ा लड़का होने के कारण मेरे पे काफ़ी सारी जिम्मेदारी थी और उस वक्त हम किराए के घर पे भी रहते थे। तो उस वक्त पे मैंने कॉलेज में मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी और मैं सुबह 10 बजे कॉलेज जाता था और शाम को 3 बजे के आसपास, दोपहर को 3 बजे मैं कॉल सेंटर में नौकरी करता था और रात को लेट नाइट में 11:30-12 बजे घर पे आता था। उस वक्त मेरी जो तनख्वाह थी वो 5000 रुपये थी। एक दिन मैं कॉल सेंटर से घर आ रहा था तो मैंने देखा कि एक जगह कुछ भीड़ लगी हुई है, भीड़ में काफ़ी लोग खड़े हुए हैं, चिल्ला रहे हैं और बात कर रहे हैं कि मेरा ये शेयर खरीद, मेरा वो शेयर बेच। अब आपको पता है कि इंडियंस की आदत होती है कि कहीं भी भीड़ होती है वो उस भीड़ का हिस्सा जाके बन जाते हैं। मैं भी उस भीड़ का हिस्सा जाके बना और मैंने वहां पे देखा कि कुछ लाल, मतलब कुछ ब्लू कलर की, रेड कलर की कुछ टिमटिमाती लाइटें जल रही हैं। और मैंने जब पता करा तो पता चला वो स्टॉक मार्केट था, शेयर मार्केट में लोग अपने शेयर खरीद रहे थे, बेच रहे थे। तो मुझे भी उसमें एक इंटरेस्ट जागा और मैंने सोचा चलो इसमें अपना करियर बनाया जाए। बट जब मैंने वहां पे सीखने की कोशिश करी तो उन्होंने बोला कि हम लोग सिखाते नहीं है, ये एक ब्रोकर का ऑफिस है, अगर आपको सीखना है, यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है तो आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। तो आपको कहना चाहूंगा कि 2008 में मैंने फर्स्ट टाइम अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराया था और डीमैट अकाउंट मैंने इसलिए ओपन कराया था क्योंकि मुझे शेयर मार्केट सीखना था। तो मैं डेली जाता, उस टाइम मैंने ड्रॉप से अपना रिजाइन करा, मैं डेली वहां पे जाता था, कुछ शेयर खरीदता था, कुछ शेयर बेचता था और धीरे धीरे मुझे वहां पे ट्रेडिंग के बारे में पता चला और कैसे शेयर खरीदा जाता है, कैसे शेयर बेचा जाता है, उसकी मुझे नॉलेज मिली। तो साथ में जो डीलर था उसने मेरे को एक जॉब ऑफर करी और बताया कि एक जगह स्टॉक मार्केट की नौकरी है और आप चाहे तो वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो 2008 अक्टूबर में मैंने स्टॉक मार्केट की जॉब ज्वाइन करी और आपको जान के काफी हैरानी होगी कि उस वक्त जो मेरी सैलरी थी वो थी 1500 रुपये। और पहले मैं कॉल सेंटर में जो जॉब करता था, क्योंकि कॉल सेंटर में काम करते करते मुझे दो साल हो गए थे और मेरी वहां पे सैलरी 12000 थी। तो 12000 से 1500 की नौकरी करना मेरे लिए काफी मुश्किल था। जहां मैं 8 घंटे की जॉब करके 12000 कमाता था और जो मेरे को स्टॉक मार्केट में जॉब मिली वो सुबह 10 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक थी। अब आप में से काफी लोग पूछ रहे होंगे कि 3:30 बजे तो मार्केट क्लोज हो जाता है, तो आप 11:30 बजे वहां पे क्या करते थे? तो मैं कमोडिटी मार्केट में भी काम करता था, मॉर्निंग में इक्विटी करता था और उसके बाद कमोडिटी देखता था। अब यहाँ पे मुझे एक चीज सीखने को मिली वो ये कि क्योंकि उस वक्त पे मैं स्किल बेस पे काम कर रहा था, मैं लॉन्ग टर्म देख रहा था स्टॉक मार्केट में अपना फ्यूचर और इसके बारे में मुझे पता था कि अगर मैं आज 1500 की नौकरी कर रहा हूँ तो एक टाइम जरूर आएगा कि मैं स्टॉक मार्केट से लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता हूँ। और उस वक्त में मेरी फैमिली ने भी मेरे को सपोर्ट नहीं करा, क्योंकि 12000 से सीधा 1500 रुपए, और आज की जनरेशन तो यही चाहती है ना कि वो कम टाइम में ज्यादा पैसा कमाए। उस टाइम मैं ज्यादा टाइम देके कम पैसा कमा रहा था, पर धीरे धीरे मैं काम करता रहा, धीरे धीरे मेरी सैलरी इंक्रीज होती रही और उसके बाद एक ऐसा फेज आया कि उसने मेरी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। मैंने वहां पे नोटिस किया कि हमारे पास जो क्लाइंट आते थे उनको ज्यादातर नुकसान ही होता था, वो आते थे ट्रेड करते थे उन्हें नुकसान होता था, ब्रोकर की जो रिकमेंडेशंस होती थी उस पर वो काम करते थे। तो मैंने सोचा कि यार ये ब्रोकर ऐसा क्या करता है, ये कैसे कॉल जनरेट करता है, कैसे वो किसी स्टॉक में बाइंग या सेलिंग रिकमेंड करता है। तो उस वक्त पे मैंने सोचा कि ये मैं भी सीख लेता हूँ। तो 2008 के आसपास ही मैंने लास्ट में
टेक्निकल एनालिसिस सीखा, और टेक्निकल एनालिसिस पहले एक जगह सीखा, फिर दूसरी जगह जाके सीखा, और जो मैं सीखता था वो क्लाइंट के पैसों से इंप्लीमेंट करता था। उस वक्त में मैंने क्लाइंट को बोलना स्टार्ट किया कि अब आपको कहीं से टिप लेने की जरूरत नहीं है, अब मैं आपको रिकमेंडेशन खुद दूंगा, क्योंकि अब मैं टेक्निकल एनालिसिस सीख रहा हूं। और मैं इतना पैशनेट था उस वक्त पे टेक्निकल एनालिसिस को लेके, और मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरी जो रिसर्च थी उस वक्त पे काफी अच्छी होने लगी। तो मैंने सोचा कि अब डीलर की जॉब से छोड़कर अब मैं टेक्निकल एनालिस्ट बन जाता हूं। तो कुछ टाइम बाद मुझे टेक्निकल एनालिसिस की जॉब ऑफर हुई, एक साल बाद मैंने टेक्निकल एनालिसिस करने लगा, और साल 2011 में मुझे एक जगह जॉब ऑफर हुई जहां पे मेरी रिसर्च एनालिस्ट की पोस्ट थी, जिसमें मैं उनके क्लाइंट्स को टेक्निकल बेस पे उनको कुछ प्रिडिक्शन देता था स्टॉक और कमोडिटीज की। अब 2011 मेरा एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, वो कैसे मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब जहां पे मैं जॉब करता था बेसिकली वो एक इंस्टीट्यूट भी था जहां पे टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ऑप्शन स्ट्रेटजीज की क्लासेस होती थी। अब 2011 में एक दिन ऐसा हुआ कि एक फर्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला था टेक्निकल एनालिसिस का, और स्टूडेंट आ चुके थे, उन्होंने स्टूडेंट से फीस ले ली थी, बट जब उन्होंने फैकल्टी को फोन करा तो फैकल्टी ने उनका फोन नहीं उठाया, और जब फोन नहीं उठाया तो वो काफी घबरा गए कि भाई हमने तो स्टूडेंट से फीस ले ली है, टीचर आया नहीं है। और उस टाइम पे अगर 2011 आज से 12 साल पहले की बात करूं तो टेक्निकल एनालिसिस के टीचर इतने मौजूद भी नहीं थे, इतना लोगों को नॉलेज नहीं थे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। इवन मैं आपको बोलना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट में भी लोग काम कर रहे हैं बट उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस का नाम ही नहीं सुना था। अब हुआ क्या कि मेरे बॉस ने सीधा मुझे बोला कि भाई जो फैकल्टी है वो आ नहीं रहे, अब आपको पढ़ाना है। अब 21-22 साल का लड़के को आप बोल देते हो सीधा कि एट ए टाइम कि अब आपको पढ़ाना है। अब मेरी भी सिट्टी पिट्टी गुल कि भाई अब मैं क्या करूं यहाँ पे, अब मुझे तो पता नहीं, ठीक है मुझे टेक्निकल एनालिसिस तो आता है बट मैं पढ़ा नहीं सकता। अब मैंने जब उन्हें मना करा तो उन्होंने बोला कि भाई मैंने तो स्टूडेंट से फीस ले ली है, अब आपको तो पढ़ाना ही है। तो जैसे तैसे करके मैं क्लास में एंट्री करी और वहां पे कुछ 15-16 स्टूडेंट बैठे हुए थे, और वो जो बच्चे नहीं थे जो स्टूडेंट, वो बड़े थे, किसी की 60 थी, किसी की 40 थी, कोई 30 के आसपास का था, कोई 25 के आसपास था, वहां पे कोई डॉक्टर भी थे, कोई स्टॉक मार्केट में काम करते, किसी को 10 साल हो चुके थे, और कोई ब्रांच मैनेजर था किसी स्टॉक ब्रोकिंग फर्म का। अब जैसे ही मैंने एंट्री करी उन्होंने देखा कि यार 21-22 साल का लड़का हमें क्या पढ़ाएगा, बट थैंक गॉड उस टाइम क्लासेस बहुत अच्छी गई, मैंने बहुत दिल से पढ़ाया, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, और 2011 से लेके आज तक मैं पढ़ा ही रहा हूं। तो यहां से हमें लाइफ का एक सबक मिलता है, वो ये मिलता है कि जब भी आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिले तो दोनों हाथों से इसे पकड़ लो, जकड़ लो और वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो। तो 2011 में मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा, मंडे टू फ्राइडे मेरा रिसर्च रहता था टेक्निकल एनालिसिस पे, मैं रिसर्च करता था, साथ साथ उनके जो क्लाइंट्स होते थे उनको कुछ टिप्स वगैरह प्रोवाइड करता था। इसके साथ साथ सैटरडे संडे मैं टेक्निकल एनालिसिस पढ़ाता था और एक एक दिन में दो दो तीन दिन मैच लेता था। उसके बाद क्या हुआ कि साल आया 2012, मेरे को जॉब ऑफर हुई अहमदाबाद में मेरे को सीनियर रिसर्च एनालिस्ट की, टेक्निकल एनालिस्ट की पोस्ट ऑफर हुई, और बहुत अच्छा पैकेज था, बहुत कुछ था। तो मैंने सोचा चलो लाइफ में अब कुछ नया सीखा जाए, बाहर निकला जाए। तो वहां पे 2012 में मैंने अहमदाबाद में टेक्निकल एनालिसिस पढ़ाया भी और रिसर्च एनालिस्ट की पोस्ट पे काम भी कर रहा था। तो एक दो साल में अच्छा काम कर रहा था, बट क्या हुआ कि रातों रात कंपनी बंद हो गई क्योंकि पार्टनर्स का कुछ डिस्प्यूट हो गया। अब पार्टनर्स का जो डिस्प्यूट हुआ और रातों रात कंपनी बंद हुई और हमें वहां से फिर दिल्ली आना पड़ा। अब भैया देखो, आज की अगर बात करें और पहले की बात करें तो बहुत फर्क है। उस वक्त पे अगर आप स्टॉक मार्केट की अगर जॉब ढूंढे तो आपको जॉब इतनी इजीली मिलती नहीं थी, उस टाइम सेल्स की जॉब ज्यादा मिलती थी और टेक्निकल एनालिसिस की पोस्ट बहुत कम हुआ करती थी। क्योंकि जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं या फिर हम रिसर्च एनालिस्ट की बात करें या फंडामेंटल एनालिस्ट की बात करें, वो कहीं ना कहीं लायबिलिटी होती है ब्रोकिंग फर्म के लिए। तो उस टाइम जॉब नहीं मिली, एक दो महीने में घर में खाली बैठा रहा, बट मैंने सोचा कि भाई ज्यादातर तो घर में खाली बैठ नहीं सकते क्योंकि घर का बड़ा लड़का था, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी। तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं यार, जो भी मिले कर लेते हैं। तो उस वक्त पे मेरे को जॉब मिली गाड़ी के शोरूम में, ये मैं बात कर रहा हूँ साल 2014 की। गाड़ी के शोरूम में मेरे को जॉब मिली, 6 महीने मैंने वहां काम किया और साथ साथ मैं स्टॉक मार्केट के टेक्निकल एनालिस्ट की पोस्ट पे अप्लाई भी कर रहा था। बट 6 महीने हो गए मुझे कहीं जॉब नहीं मिली और साथ साथ मैं गाड़ियां सेल कर रहा था, फोर्ड के शोरूम में मैं काम कर रहा था। और एक दिन अचानक से मेरी लाइफ का एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वहां पे एक क्लाइंट आए और उन्होंने बोला कि मुझे टेस्ट ड्राइव चाहिए। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने बोला टेस्ट ड्राइव मुझे मेरे घर पे चाहिए, आप मेरे घर पे आओ गाड़ी लेकर और मैं टेस्ट ड्राइव करूंगा। अब मैं उनके घर पे गाड़ी लेके गया और उस टाइम मैं सही बताऊं मेरे को गाड़ी चलानी भी नहीं आती थी, मैं किसी को लेके गया उनके घर पे और उनको टेस्ट ड्राइव दी। जब मैं उनके घर पे गया मैंने वहां पे देखा
मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। हुआ क्या, मैंने देखा कि वहां पे स्क्रीन लगी हुई है, वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं और वो टेक्निकल चार्ट्स देख रहे हैं। और जैसे ही मैंने देखा तो मेरे अंदर का एक बच्चा था वो निकल के बाहर आ गया और उनको मैं बताने लगा कि ये स्टॉक बाय कर लो, यहाँ से ये पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, इसको आप खरीदेंगे तो ये स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। और वो स्टॉक को सेल कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज कैसे, तो मैंने अपना पास्ट बताया कि मेरे को इतना टाइम स्टॉक मार्केट में काम करते हो गया है और जो स्टॉक की मैंने रिकमेंडेशंस दी थी उस स्टॉक में थोड़ी देर बाद देखा कि 3% की तेजी देखने को मिली। तो उस टाइम उन्होंने मेरे को बिठाया, समझाया और बोला कि जहां पे आप पहले काम करते थे एक बार वहां पे बात करके देखो। तो मैं NIFM में काम करता था, तो मैंने NIFM में बात करी और मुझे वो जॉब टेक्निकल एनालिस्ट की पोस्ट दोबारा से मिल गई। तो यहाँ पे मेरी लाइफ का एक दूसरा आप कह सकते हैं कि चरण स्टार्ट हुआ। उसके बाद 2015 में हमने अपना यूट्यूब चैनल बनाया NIFM की तरफ से और वहां पे मैंने 2015 से लेकर 2017 तक कुछ 300 से ज्यादा वीडियो अपलोड करी। और यकीन मानिए कि हमारी हर वीडियो पे जो व्यूज आते थे, किसी में 5000 व्यूज, किसी में 10000 व्यूज, किसी में 20000 व्यूज, जो कि उस वक्त पे बहुत ज्यादा व्यूज कहलाए जाते थे, बहुत अच्छा चल रहा था। बट हुआ क्या, 2017 में रातों रात हमारा जो चैनल था वो हैक हो गया। 300 से ज्यादा वीडियो अपलोड करी थी कि सबके सब हो गए जीरो। उस टाइम मैं काफी डिमोटिवेट हो गया, थोड़ा सा एक डिप्रेशन मोड में आ गया कि भाई अब क्या होगा लाइफ में। हालांकि मेरी ट्रेडिंग बहुत अच्छी चल रही थी, ट्रेडिंग में कर रहा था, बट कहीं ना कहीं आप होता है ना कि आपने मेहनत करी है, 300-350 वीडियो डाली है, आप अच्छा काम कर रहे हो और एकदम से वीडियो आपका जो चैनल है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। फिर हमने उस चैनल को रिकवर करने की कोशिश करी बट वो रिकवर नहीं हुआ। 2017 में मेरे एक स्टूडेंट थे और उनका क्रिप्टो का बहुत अच्छा चैनल था, क्रिप्टो का नंबर वन चैनल हुआ करता था। वो उस टाइम हमसे टेक्निकल एनालिसिस पढ़ने आया था, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि यार एक काम करो, आप अपना चैनल खुद से बनाओ। 2017 में मैंने अपना चैनल बनाया और 2017 से लेकर 2019 तक मैंने उस चैनल पे काम किया। और आप भी हंसेंगे बात सुन के कि जहां पे मेरे व्यूज आ रहे थे NIFM के साथ 10,000-20,000 व्यूज आ रहे थे, दो साल तक मेरे व्यू आ रहे थे 100, 150, 200 व्यू। मतलब दो साल तक बिल्कुल डेड चैनल था वो, मैं वीडियो अपलोड करता था, हालांकि मैं मंडे टू फ्राइडे टेक्निकल एनालिस्ट की पोस्ट पे काम करता था, सैटरडे संडे मैं वीडियो अपलोड करता था, बट रिजल्ट जीरो था, कुछ भी नहीं हुआ। अब जॉब करते करते अब कितना जॉब करूंगा, 2008 से लेके अब आ गया 2019, कितने साल हो गए, 11 साल हो गए। 11 साल से मैं जॉब ही कर रहा था। मैंने सोचा अब एक काम करता हूं कि जॉब को क्विट करता हूं, ट्रेडिंग अच्छी चल रही है, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस भी मैं दे रहा था, सब ठीक चल रहा है, अब मैं जॉब क्विट करके अब मैं फुल टाइम यूट्यूबर बन जाता हूं। बट है क्या चैनल, अब मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, व्यूज आ नहीं रहे हैं, जहां में इतने अच्छे अच्छे व्यूज आ रहे थे अब वहां पे बिल्कुल चैनल डेड पड़ा हुआ है। 2019 नवंबर को मेरा बर्थडे था और मैंने रिजाइन डाल दिया था उस कंपनी से। 24 नवंबर मेरा लास्ट डेट था। 7 डेज पहले मेरे बर्थडे वाले दिन सब लोग पार्टी करते हैं, अब बर्थडे वाले दिन लोग क्या करेंगे, पार्टी करेंगे, घूमने जाएंगे। अब उस टाइम मैं बड़ा डिमोटिवेट था, बड़ा परेशान था कि यार क्या होगा लाइफ में, कुछ समझ नहीं आ रहा, रिजाइन भी डाल दिया, 7 दिन बाद अब वहां से भी कट ऑफ हो जाएगा, क्या करूं। और उस दिन मैंने कहा चलो यार एक काम करते हैं, वीडियो बनाते हैं। 17 नवंबर को मेरा बर्थडे था, मैंने वहां पे वीडियो अपलोड करी और यकीन मानेंगे कि बर्थडे वाले दिन जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी वो वायरल हो गई। यहां से एक सबक आपको सीखने को मिला वो ये कि जब भी लाइफ में आपका मन ना कर रहा हो कि आज ये काम नहीं करते, मैं कह रहा हूं उस काम को करके देखो, आप उस काम को करके देखो, मैं कह रहा हूं उस काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो 2019 में हमारा चैनल वायरल हुआ और 2020 में आ गया कोविड। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट में करेक्शन देखने को मिली और हमें जो शेयर्स थे बहुत अच्छे दामों पे मिले। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा टाटा मोटर का, जो हमें 60 रुपए के आसपास मिल गया था, ऐसी मदरसन सुमी और बहुत सारे स्टॉक थे जो अच्छे रेटों पे मिले। उस टाइम मैं ट्रेडिंग करके पैसा भी बना रहा था, उस टाइम मैंने इन्वेस्टमेंट करी और उसके बाद उन्हीं स्टॉक को 3-4 गुना दामों पे बेचा मार्केट में। तो उस वक्त पे मेरी जो नेटवर्क थी बहुत अच्छी हो गई थी, तो मैं ट्रेडिंग करके पैसा कमा रहा था, इसके साथ साथ मैं यूट्यूब पे वीडियोस भी बना रहा था और बहुत अच्छा लाइफ में चल रहा था, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। अब उसके बाद क्या हुआ कि 3-4 महीने बाद मैंने अपनी मम्मी से बात करी और बोला, क्योंकि उस टाइम हम रेंट पे रहते थे, तो मैंने अपनी मम्मी से बात करी और मैंने बोला कि मैं घर खरीद रहा हूँ। तो घर वाले भी शॉक हो गए कि भाई घर खरीदना आसान नहीं है। मैंने कहा हाँ मैं घर खरीद रहा हूँ और जल्दी घर खरीदने वाला हूँ। और उसके 2 महीने बाद ही जैसे लॉकडाउन थोड़ा सा खुला तो मैंने वहां पे एक घर परचेज करा। फिर उसके बाद धीरे 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 मैं मार्केट में काम करता रहा, क्योंकि देखो मेरी इन्वेस्टमेंट भी थी, इन्वेस्टमेंट जो करी थी जब उसको मैंने बेचा तो मेरे को बहुत अच्छे पैसे मिले। और मैं जैसे कि बताऊँगा ऑप्शन ट्रेडर भी हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग भी करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग भी करता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे मैं ट्रेड करके भी अच्छा पैसा बना रहा था। तो उस वक्त में मैंने एक घर खरीदा।
घर खरीदा, फिर उसके बाद मैंने दूसरा घर खरीदा, फिर मैंने तीसरा घर खरीदा, तो धीरे 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 जो मैं मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता हूँ या फिर मैं ट्रेड करता हूँ, उससे मैं क्या करता हूँ कि प्रॉपर्टी भी उसके साथ साथ जोड़ता रहता हूँ। अगर मैं बात करूँ तो मैं अभी जो मेरी नेटवर्थ, अगर मैंने अपने नेटवर्थ को डिवाइड किया हुआ है, अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली में मेरी 3 प्रॉपर्टी है, और अभी मैं ट्रेडिंग जो कर रहा हूँ 50 लाख से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और जो मेरा इन्वेस्टमेंट का जो अकाउंट है जो जिसमें मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ उसका जो पोर्टफोलियो है वो मेरा 1.5 करोड़ के आसपास का है। तो अगर मैं टोटल नेटवर्थ अपनी काउंट करूँ तो नेटवर्थ मेरी 7 करोड़ के आसपास की है। अब यहाँ से आपको क्या सीखने को मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। आप ऐसे काफी लोगों के कॉमन क्वेश्चन होते हैं कि आप पढ़ाते हैं, आप खुद का ट्रेड क्यों नहीं करते, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं खुद एक ट्रेडर हूँ, मैं 2011 से कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहा हूँ, और एक मैंने सीरीज भी बनाई थी जो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे हमने 5 लाख के अमाउंट को 24 लाख में कन्वर्ट किया था, वो भी 2 महीने में। अब आप में से बोलेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि 5 लाख को 24 लाख में कन्वर्ट किया 2 महीने में, तो कहना चाहूंगा उसकी मुझे एक्सपर्टीज थी, उसको मुझे करते हुए मुझे टाइम हो गया है। आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं या कोई भी एनालिसिस सीखे, चाहे फंडामेंटल करिए, ऑप्शन करिए या फिर टेक्निकल एनालिसिस सीखे, उसको टाइम दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। काफी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि वो जब भी कुछ सीखते हैं वो क्या करते हैं, पूरा अमाउंट ही उसमें लगा देते हैं, उसमें उनके अंदर पेशेंस नहीं रहता, वो सोचते हैं कि मेरे को जल्दी अमीर बनना है। तो देखो, जल्दी अमीर मार्केट में नहीं बना जा सकता, ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलती है कई बार कि किसी दिन में आपका रिटर्न अच्छा आ जाए, बट उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं सचिन तेंदुलकर का, सचिन तेंदुलकर ने एक बात बोली थी, उन्होंने कहा था कि मैं आज भी सीख रहा हूं, तो और उन्होंने बोला था कि अगर कि छोटे बच्चे से मुझे कुछ सीखने को मिले तो मैं भी उसे ग्रैब कर लूंगा। तो देखो, सचिन तेंदुलकर कितने महान प्लेयर थे, वो तब भी सीख रहे थे, और आज भी मैं बोलना चाहूंगा कि सीखना कभी भी बंद नहीं करना है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं आज भी सीख रहा हूं। अगर आपने किसी दिन भी ये सोच लिया कि मुझे सब कुछ आ गया, तो सोच लो आपके लाइफ का फॉल वहीं से स्टार्ट हो गया। आई होप आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी और आपने मेरी स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखा होगा, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो स्टॉक को, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म मेरे को दिया अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। थैंक यू। क्योंकि आपने ये टॉक देखी है, इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में सही स्किल्स के जरिए पैसा कमाना चाहते हैं और सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, चाहे कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट्स हो, या फिर स्टॉक एनालिसिस करना, या फिर इन्वेस्टमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना, इन सब में आपकी मदद करता है जोश टॉक्स का जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। यहाँ पर आपको मिलती है पर्सनलाइज्ड क्विजेस, यहाँ पर आपको मिलती है ढेर सारी एक्सरसाइजेस, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट आपको मिलती है एक ऐसी जो आपको हेल्प करेगी फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स को बड़े आसान तरीके से समझने में। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और लीजिए अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम।